अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी शेफ हीर किचन से। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लाई हूँ, सीख कबाब मसाला, जो बनेगा बीफ के कीमे में। आप लोग देख सकते हैं मज़ेदार इंग्रेडिएंट्स। पहले मैं इसमें सीख कबाब मसाले के इसमें इंग्रेडिएंट्स डालूँगी कीमे में। उसके बाद मैं जब सालन बनाऊँगी, मैं सालन भी साथ ही बनाऊँगी, फिर मैं आपको उसके सालन की भी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मैं बताऊंगी। पहले मैं सीख कबाब मसाले की आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। 1 kg बीफ लिया है, बीफ का कीमा है, अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 tablespoons, प्याज 3 अदद है, पानी निकला हुआ है इसमें से, बिल्कुल पानी वाला प्याज नहीं लेना वरना सीख कबाब जो है वो हमारे टूट जाएंगे। हरी मिर्चें हैं, हरी मिर्चों का पेस्ट 2 अदद, नमक 1 tablespoon, लाल मिर्चें ये साबुत है मैंने ली है 1 teaspoon, और गरम मसाला 1/2 teaspoon है, और तंदूरी मसाला हम इसमें ऐड करेंगे 1 teaspoon, और सूखा धनिया जीरा और सूखा धनिया है रोस्टेड, 1 tablespoon सूखा धनिया था और 1 tablespoon जीरा था, वो मैंने रोस्ट करके इसको मोटा मोटा पीस लिया है। अब इसमें मैं इंग्रेडिएंट्स ऐड करती हूँ। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, ये मैं बाद में सालन में भी ऐड करूँगी, इसलिए मैंने ज़्यादा पेस्ट लिया था। बहुत ही मज़ेदार चटपटा होगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। मसाले ऐड कर देती हूँ, प्याज, खुशबू बहुत प्यारी आ रही है जो रोस्टेड मैंने जीरा और सूखा धनिया लिया है, और कीमा जो है वो बारीक हो इसका, वरना मोटा कीमा जो है फिर वो गलता नहीं है और वो फिर उससे मज़ेदार बनते भी नहीं है। इंशाल्लाह बहुत मज़े के बनेंगे। मसाला बहुत अच्छी तरह मैंने मिक्स कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। मैं हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाती हूँ और मैं हाथों की मदद से सीख कबाब बनाती हूँ। ये आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग जैसे चाहे बनाएं, सीख भी ले सकते हैं और साइज़ भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, एक और बना के दिखाती हूँ। बिल्कुल परफेक्ट साइज है, थोड़ा सा पतला कर दूँ। मैं आप लोगों को सारे बना के दिखाती हूँ। है जी, सीख कबाब हमारे रेडी हो गए हैं, जितने मुझे चाहिए थे मैंने ले लिए हैं, और आप लोगों को मैं आगे जाके बताऊँगी सीख कबाब के साथ हमने करना क्या है। बिल्कुल चेंज मेथड से बनाएंगे, बहुत मज़ेदार बनेंगे, और आप लोग मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल यूनिक स्टाइल से बनेंगे। मैं आपको जो इसका मसाला है, सालन है, उसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। 2 प्याज हैं दरमियाने साइज़ के, टमाटर हैं 2 बड़े, अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 teaspoon, नमक है 1 teaspoon, नमक हल्के ज़रूरत आप लोगों की मर्ज़ी आप और भी ऐड कर सकते हैं। मिर्चें हैं लाल, आप देख सकते हैं 1 teaspoon, और गरम मसाला है 1/4 teaspoon, तंदूरी मसाला है 1 teaspoon, सूखा धनिया है 1 teaspoon, और ज़ीरा है 1 teaspoon, हसबे ज़रूरत है मिर्चें, हरी मिर्चें, और दही है ये मैंने 1/2 बाउल लिया है, और अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जो मैंने अपने सीख कबाब में मसाला ऐड किया था वो उसी मेथड, इंग्रेडिएंट्स वही हैं लेकिन मेथड आप लोग देख लीजिएगा, वही चीज़ें जो है वो मैं सालन के लिए भी ले रही हूँ। अब मैं अपनी रेसिपी की तरफ आती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ हमने सीख कबाब के साथ क्या करना है। फ्लेम मैंने ऑन कर दी है और इसमें मैं डालती हूँ ऑयल, 1 कप ऑयल। ऑयल गर्म हो फिर मैं इसमें डालती हूँ प्याज। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें हम डालते हैं प्याज, झटपट बनेंगे इंशाल्लाह सीख कबाब का सालन मज़ेदार। सॉफ्ट होगा फिर मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। प्याज सॉफ्ट हो गया है, अब इसमें मैं डालती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। ये गोल्डन हो फिर मैं इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करती हूँ।
इसमें मैं ऐड करती हूँ जो ज़ीरा मैंने आप लोगों को बताया था, ताकि वो भी गोल्डन हो जाए और उसकी खुशबू जो है वो हमारे सालन में बहुत अच्छे से आ जाए। मैं ऐड करती हूँ टमाटर और साथ ही मैंने मसाले बताए थे मैं ऐड कर रही हूँ सूखा धनिया। रफली मैंने टमाटर जो थे वो कट कर लिए थे। अब इसको मैं ढक देती हूँ, फिर मैं टमाटर सॉफ्ट होने का इंतज़ार करती हूँ। 2 से 3 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, मसाला जो है वो मैंने रख दिया है। मैंने आप लोगों को जैसा कि बताया था कि मैं चेंज मेथड से आपको सीख कबाब का सालन बताऊँगी। कोयले आपको सामने नज़र आ रहे होंगे, अब मैं फ्लेम ऑन करती हूँ कोयलों के नीचे और मैं आज बनाऊंगी बिल्कुल चेंज तरीके से। मैंने जैसे बताया था यूनिक स्टाइल से मैं दूंगी सीख कबाब को स्मोक दूंगी। मैं आपको सारा मेथड दिखाती हूँ, स्मोक दे के फिर हम इंशाल्लाह अपना मसाला जो तैयार हो जाएगा फिर हम इसमें सीख कबाब ऐड करेंगे। ऐसे बहुत मज़ेदार टेस्ट आएगा, बिल्कुल चेंज। आज आप लोग सीख कबाब देखेंगे और मुझे बताइएगा आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। कोयले हमारे गर्म हो गए, मैं आपको दिखाती हूँ। एक तरफ कोयले अच्छी तरह गर्म हो रहे हैं, हमने कोयलों को अच्छी तरह गर्म करना है ताकि जब हम स्मोक दें तो हमारे सीख कबाब में अच्छी तरह कोयलों की खुशबू आ जाए और वो सीख कबाब की जो खुशबू है वो हमारे पूरे सालन में सीख कबाब को मिल जाए। इससे बहुत मज़ेदार फ्लेवर होगा इंशाल्लाह। अब हम अपना मसाला चेक कर लेते हैं, खुशबू बहुत मज़ेदार आ रही है और मसाला देख सकते हैं बहुत मज़ेदार है। और पानी सूख गया है, अब हम इसमें दही जो मैंने बताया था मैं वो ऐड कर देती हूँ। तकरीबन अब मैं 10 मिनट के लिए छोड़ती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैं स्मोक कैसे देखती हूँ सीख कबाबों को। तो जी कोयले जो हैं वो हमारे अच्छी तरह वो रेड हो गए हैं, अब मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और ये देखें सीख कबाब मैंने ऐसे सेट करके रख दिया है। अब इसमें मैं रखूँगी कोई भी छोटी सी प्लेट या कुछ भी हो। इसके बाद मैं इसमें रखती हूँ कोयला, और इसमें मैं डाल देती हूँ ऑयल और इसको अच्छी तरह कवर कर दूँगी ताकि इसकी जो खुशबू है वो हमारे सीख कबाबों में चले। मैं कवर कर देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर बाद। सीख कबाब सालन का मसाला जो है वो अच्छी तरह भुन गया है, आप लोग देख सकते हैं ऑयल जो है वो अलग हो गया है। अब इसमें मैं एक एक करके सीख कबाब ऐड करूँगी। मैंने तकरीबन 15 मिनट इसे स्मोक दिया है, अब मैं एक एक करके इसको डालती हूँ और खुशबू बहुत प्यारी आ रही है, वही फीलिंग आ रही है जो सीख कबाब जब बन रहे होते हैं तो खुशबू आती है। इसको मैं डाल के ढक दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए, फिर 15 मिनट बाद मैं आपको दिखाऊँगी। हीम थोड़ा सा मैं कर देती हूँ और इसको मैं 15 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 15 मिनट हो गए हैं, अब मैं देख लेती हूँ सीख कबाब के सालन को और मैंने बिल्कुल भी इसे देखा नहीं और ना इसे हिलाया, और इसका हिलाने का तरीका ये है, पानी छोड़ दिया है ऐसे, चमचा भी मैं नहीं लगाऊंगी और चमचा आप लोगों ने भी बिल्कुल भी नहीं लगाना क्योंकि डालने के बाद थोड़े से जब टाइट होते हैं फिर मैं पहले तो मैं मेरा प्रोसीजर ये होता है इसको मैं यूं करके लाती हूँ, वो साइड टूथ चेंज हो गई है, फिर जब ये थोड़े से और टाइट हो जाए फिर मैं चमचा लगाऊंगी। अब इसे मैं तकरीबन 15 मिनट और पकाऊंगी ताकि जो हमारा कीमा है वो अंदर तक गल जाए और सीख कबाब की खुशबू बहुत प्यारी आ रही है, सेम सीख कबाब की जैसे होती है जब बन रहे होते हैं कोयले वाले वैसी खुशबू आ रही है। अब मैं इसे ढक के 15 मिनट के लिए और रख देती हूँ। 15 मिनट हो गए हैं, अब मैं देख लेती हूँ अपने सीख कबाब को। माशाल्लाह पानी जो है वो सूख गया है, आप लोग देख सकते हैं। अब इसमें मैं चमचा मार देती हूँ, ये सख्त हो गए हैं, अब ये टूटेंगे नहीं। अब इसे मैं तकरीबन 5 से 8 मिनट भूनूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसे 5 से 8 मिनट हल्के हाथ से भूनना है और खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। ये मैं भून चुकी हूँ, इसे 8 मिनट हो गए हैं। ये आप लोगों की मर्ज़ी है कि ज़्यादा भुना हुआ रखते हैं या थोड़ा सा शोरबा रखते हैं, ग्रेवी रखते हैं। अब इसमें मैं एक और चीज़ खूबसूरती के लिए ऐड कर देती हूँ जिससे और ज़्यादा जो है हमारे सीख कबाब का टेस्ट है और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। इसमें मैं डालती हूँ थोड़ी सी शिमला मिर्च खूबसूरती के लिए,
और इसमें मैं डालूंगी प्याज। प्याज मैंने ये गोल गोल कट कर दिया है, मैं इसे ऐसे रख के डिजाइन रख के, क्योंकि सीख कबाब का सालन तैयार हो गया है। आप लोग देख सकते हैं बहुत मज़े का लग रहा है, खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। मैंने फ्लेम ऑफ कर दी थी और शिमला मिर्च को गलने नहीं दिया। शिमला मिर्च ऐसे बहुत अच्छी लगती है और शिमला मिर्च की वजह से और ज़्यादा खूबसूरती आ गई है। और सीख कबाब की जो खुशबू है, धुएँ की स्मोक की जो खुशबू आ रही है, बहुत मज़े की खुशबू है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये यूनिक और नई रेसिपी। अब मैं मज़ीद खूबसूरती के लिए इसमें डाल देती हूँ हरा धनिया। आप लोगों को अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आई है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों को मेरी ये यूनिक नई रेसिपी कैसी लगी। बहुत जल्द फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।